कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमार पर शान से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और देखिए आज मतलब मेरा ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। आज भी हमारा रोज़ा था और अचानक से ना हमें पता चला कि बेसन ही नहीं है, तो फिर हमने फटाफट से ब्लिंकिट किया और बेसन आ भी गया था। और सिस्टर पार्सल भी रिसीव करने गई थी, तो यहाँ पे मैं बस खड़े होके यही चेक कर रही थी और साथ में यहीं से व्लॉग की स्टार्टिंग भी मैंने की। शाम का टाइम हो रहा था तो मौसम तो कुछ ऐसा होना ही है, लाजिम है। और मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर ही खड़ी थी और उसके बाद जो है वो अभी इफ्तार की तैयारी भी स्टार्ट करनी है, तो फटाफट से अंदर आ गई। और अम्मी यहाँ पे पकौड़ों के लिए प्याज कट कर रही हैं और साथ ही साथ जूबी का यहाँ पे अलग चल रहा है सीन। और जैसे पार्सल आता है ना, जूबी आ जाती है भागते हुए पार्सल देखने के लिए, तो उसे पता नहीं था। तो मैं यहाँ पे उसे बता रही थी कि जो है वो सिस्टर पार्सल लेके आई, तो फटाफट से तुम आओ देख लो आके। तो यहाँ पर ये रहा ये सफोला गोल्ड का छोटू सा बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब काफ़ी क्यूट लग रहा है। और वैसे तो हमेशा हम बड़ा वाला पैक ही मंगाते हैं, लेकिन अभी हमने जो है ये वाला ऑर्डर किया और फ़ोटो में तो इतना बड़ा दिख रहा था ये, लेकिन असल में इसके छोटी सी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ये रहा फॉर्च्यून का बेसन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि अभी बनने वाली हैं दही फुल्कियाँ और साथ ही साथ जो है वो दही पकौड़ा नहीं मतलब प्याज पकौड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे बेसन की ज़रूरत थी। जो भी आ गई, फिर जो भी ने भी अपनी तहकीकात की कि इसमें आखिर है क्या, लेकिन अम्मी ना अनियन कट कर रही थी और जो भी की आंखों में लग रही थी झार, तो इसीलिए जो भी बस एक नज़र मार के ही चली गई। देखिए आप, इसको कितना पता होता है कि प्याज से झार लग रही, तो चले हम दूसरे रूम में चले जाएँ ताकि बच सकें। तो जो भी चली गई थी, मैं यहाँ पे उससे बातें शातें ही कर रही थी और टाइम हो गया था असर की नमाज़ का, तो भी फटाफट से मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी है। नमाज़ पढ़ते ही फिर जो है वो लग जाऊँगी मैं इफ्तार की तैयारी के लिए। पर देखे सिस्टर बनाने लगी थी फुल्की, और ये फुल्की जब तक बन रही है तब तक दही वगैरह मुझे फेंटना है और रेडी करना है, और साथ में जो है वो चने भी रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए चना हमारा फ्राई हो गया है, साथ में बन गई प्याज की पकौड़ियाँ और साथ में बन गई ये चटनी और बहुत ही मज़े की दही की फुल्की ज़ीरे वाली, इसको जो है वो हम बॉईल करते साथ ही फिर मसाले में जो है वो मिक्स कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। टाइम देखे तकरीबन 6:30 हो रहा है, बस अभी हाफ आवर ही बचा हुआ है। पूरे दिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया कि बिल्कुल एनर्जी ही नहीं थी। आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ था मेरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बहुत ही लो सा फील हो रहा था, तो इसीलिए पूरा दिन मैंने व्लॉग ही नहीं किया, बस मैं लेती ही रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर आके बैठ गई थी, बस अज़ान होने का वेट कर रहे थे, बाकी सब कुछ तो रेडी हो ही गया था। और अभी फटाफट से अज़ान हो जाएगी और दस्तरखान भी जब तक के लग जाएगा। यहाँ पर सिस्टर बैठी हुई है, उन्होंने भी हेल्प कर दी थी, यहाँ पर दस्तरखान भी लग चुका है, सारी चीज़ें भी आ गई। वैसे तो हमने सोचा था कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, लेकिन जैसे कि सबको पता है कि रोज़े में अल्लाह कितनी बरकत देते हैं, रमज़ान तो फिर आप जानते हैं रमज़ान में पूरा दस्तरखान भरा रहता है, उसी तरीके से आज भी बहुत सारी मतलब चीज़ें बन गई थी और पूरा दस्तरखान आज भी भरा हुआ था। साथ में शरबत भी सिस्टर ने रेडी कर दिया था और सब लोग बैठ गए थे और आज सब साथ में बैठ करके रोज़ा खोल रहे थे, अम्मी पापा सिस्टर्स सारी, और मैं भी यहाँ पर ढेर सारी दुआ कर रही हूँ। और आपका आज का दिन, आज का रोज़ा आपका कैसा गया, यानी कि मुहर्रम का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ढेर सारी दुआ की आपके लिए, सबके लिए।
लगा कि आज तो मेरे ब्लॉग के लिए मेरे पास कुछ हो गई नहीं, क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, बस लेटी ही रही थी और ना ही कोई काम था करने को, और तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फिर जब मैंने शाम से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो फिर बस हिम्मत आ गई और फिर रोज़ा तो खुल ही गया था, एनर्जी तो आनी ही थी। तो उसके बाद से मेरा ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि आज मैं कोई ब्लॉग शेयर कर पाऊँगी आपसे आज के दिन का, लेकिन खैर मैंने जो है वो आज पूरा ब्लॉग बनाया, मतलब शाम के रूटीन से लेकर के रात तक के। तो मेरे पास जो है वो वीडियो थी आपसे शेयर करने के लिए, नहीं तो फिर आज मुझसे मिस ज़रूर हो जाता ब्लॉग। अजान भी हो गई और हमने रोज़ा भी खोल लिया था और यहाँ पे मैं शरबत इंजॉय कर रही हूँ जिसकी सख्त ज़रूरत थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पास्ता खाया, बहुत ही मज़े का बना था, और फिर दही की फुल्की भी इंजॉय की। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा हम लोग लेटे बैठे थे और फिर आ गई थी हमारी चाची और छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर एक्चुअली लगा रही थी यहाँ पे अपनी मेहंदी। तो जो चाची की बेटी है ना, उनको भी बड़ा ही शौक है मेहंदी का, तो वो भी लगवाने आ गई थी। तो सिस्टर को अच्छी प्रैक्टिस के लिए हाथ मिल गया था, तो वो ट्राई कर रही थी यहाँ पर मेहंदी लगा के। और आजकल हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है मेहंदी का, तो इसीलिए कभी बड़ी सिस्टर मेहंदी मंगा लेती है लगाने के लिए, कभी मैं मंगा लेती हूँ, और हम लोग ऐसे ही अपने हाथों पर ट्राई करा करते हैं। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके की मेहंदी सिस्टर ने लगाई थी, और नाबिया भी बहुत यहाँ पे बैठी है और इन्जॉय कर रही है, और साथ ही साथ जूबी हमारी पहले बैठ के नीचे थी। सब बच्चे परेशान थे कि पता नहीं जूबी निकल नहीं रही, खिला पाएंगे कि नहीं। फिर जब जूबी निकली है ना, तो फिर नाबिया का तो बिल्कुल अलग ही रिएक्शन था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी वो जूबी को देख के। और जूबी बिल्कुल काम नहीं यहाँ पर बैठी हुई है, सबको पहचानने की कोशिश कर रही है, अभी सो के उठी है ना, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे बच्चे नहीं होते सो के उठते तो उनका थोड़ा सी मुंह बना होता है, वैसे ही हमारी जूबी भी प्यार करवा लेती है जब सो के उठती है, लेकिन थोड़ा सी मुंह बना रहता है उसका। कौन आया है जो भी शिमिन्ने, अरे कौन आया है, लो बैठ गई शमल के बैठ गई। ये देखो छोटी अनाबिया आई है, ये अनाबिया आई है छोटी सी, जल्दी से इससे मिलो, अरे ये अनाबिया आई है। क्योंकि जूबी लेटी हुई थी, कुछ कर नहीं रही थी एक्टिविटी, तो सिस्टर ने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए ना जूबी का मतलब यहाँ पे ऐसे करके खेलती है, जब मैट से हम लोग थोड़ा सी अपना पैर आगे करते हैं ना तो वो ऐसे पकड़ती है। लेकिन जूबी को ये बात बुरी लग गई कि मेरा खेल बनवा रही हैं अप्पी, तो जूबी ने पैर पर अटैक करने के बजाय हाथ पर अटैक कर दिया था सिस्टर के। देख रही है चला नहीं बड़ी है बस इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।